नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इन पेंशन लाभार्थियों को 15 मई से पहले, जी हाँ दोस्तों 15 मई से पहले ये महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आप समय से जमा नहीं करते हैं तो फिर आपके जितने भी पेंशन रुकी हुई है आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, चाहे वह विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन क्यों ना हो, आपको ये दस्तावेज जमा ही करने होंगे। जितना भी आपका सारा रुका हुआ पैसा है सारा का सारा तुरंत ही आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और भविष्य में आप चाहते हैं कि हमारी पेंशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई समस्या ना आए, तो आपको ये काम करना ही करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में बताते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जिन पेंशन लाभार्थियों से पेंशन बनवाते समय दस्तावेजों में गलती हो गई है, उन्हें अपनी गलती को सुधार लेनी होगी। जैसे कि आपके नाम में गलती हो जाती है, आपको वह ठीक करा लेनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022 से इसकी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी 2022 की। जो अब तक आपकी पेंशन मिल रही थी वह वर्ष 2021-22 की आपको दी जा रही थी। अब आपको 2022-23 में जिन पेंशन लाभार्थियों की जानकारी सरकार को नहीं मिलेगी, उन्हें पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा और न ही उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह सारे के सारे आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाए पैसा, तो आपको अपनी गलती ठीक करा लेनी होगी और दोबारा आपको अपडेट करा लेनी है अपनी पेंशन। KYC कराना सभी पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही ज़रूरी है, सभी के लिए आवश्यक है। KYC कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये दस्तावेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी से ही KYC करा सकते हैं। अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आप CSC सेंटर में जाकर बनवा लीजिए। याद रहे, यह सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अब किन पेंशन लाभार्थियों को KYC करानी है और किन पेंशन लाभार्थियों को KYC नहीं करानी है, यह भी आप यहाँ पर जान लीजिए। जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन हाल ही में बन चुकी है या फिर बन रही है, उन्हें KYC कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको बताते हैं KYC पेंशन लाभार्थी को किन व्यक्ति को करानी है। जो पेंशन लाभार्थी काफ़ी समय से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनकी पुरानी पेंशन है, उन्हें KYC करानी होगी। अब बात करते हैं कैसे आप ये KYC करा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों कुछ पेंशन लाभार्थी जानते हैं और कुछ नहीं जानते, उनको हम बता दें कि सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। सभी राज्यों के हिसाब से, अपने अलग अलग स्तर के हिसाब से यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर डबल पेंशन मिल रही है। यानी कि पहले आपको जो तिमाही पेंशन दी जाती थी वह 1500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब बढ़ोतरी के बाद आपको जो तिमाही पेंशन मिल रही है वह दोस्तों 3000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, चाहे वे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन क्यों ना हो। समाज कल्याण विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट जारी है कि 15 मई, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 15 मई 2022 से पहले सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी KYC करा लेनी है। और दूसरा, जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन दस्तावेजों में गलती हो रही है, उन्हें अपने दस्तावेजों को ठीक करा लेना है, अपडेट करा लीजिए। अगर आप यह कार्य 15 मई से पहले कर लेते हैं तो आपको आपका जितना भी पैसा रुका हुआ है पेंशन का, वह सारा का सारा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यह कार्य समय रहते आप ये कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपको 5 महीने 6 महीने का जो आपका पैसा रुका हुआ है पेंशन का, यह सभी पैसा नहीं मिलेगा और भविष्य में
पेंशन किस्त जो मिलने वाली है उसका लाभ भी आपको नहीं दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक दोस्तों 34% लोगों ने अपनी पेंशन यहाँ पर अपडेट कराया है, उनका खाता अपडेट कराया गया है। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन बैंक और खाता अपडेट करा लिया है उनके खाते में दोस्तों सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनका रुका हुआ है। भविष्य में पेंशन को लेकर उन्हें किसी भी परेशानी की यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।